देखो यार, ये गलत चीज है यार। अगले एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाता है, बट एक तरीके से देखें तो काफी अच्छी बात भी, क्योंकि इससे क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है इसके एपिसोड को देखने के लिए। ओके, अगर अब बात करूं मैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के सेकंड एपिसोड की, देखो मुझे इस एपिसोड से कुछ शिकायत ये है कि यार इसके अंदर कुछ दिखाया नहीं गया। इसके फर्स्ट एपिसोड में जहां पर हमें दो आर्मीज जो है वो आपस में लड़ती हुई दिखाई जाती है, जहां पर बीस्ट टाइटन और आर्म टाइटन आके वो फाइट जीत लेते हैं, वो मतलब उनकी जीत हो जाती है, उनकी आर्मी की मार्ले आर्मी की जीत हो जाती है, तो मैंने ये सोचा था कि यार इसमें बाकी टाइटंस नहीं दिखाए गए तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें दिखा देते हैं या फिर और बाकी हुआ क्या हुआ, वो चलो कोई बात नहीं, वो मैंने सोचा कि अगले एपिसोड में शायद थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में झलक देखने को मिल जाएगी। काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड था कि हाँ अगले एपिसोड में कुछ तो जानने को मिलेगा, लेकिन नहीं यार, सेकंड एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी बहुत जिक्र हमें मिलता है कि यामीर जो लास्ट टाइम हमें राइनर के साथ देखने को मिली थी, और थोड़ा बहुत हमें एरन के बारे में जानने को मिल जाता है कि हाँ एरन के बारे में जानने को ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत उसकी बातें होती हैं कि हाँ क्या था कौन था, बस इतना ही, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। अब अगर मैं अपने पर्सनली इसके एक्सपीरियंस की बात करूं इसके सेकंड एपिसोड की, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें फ्रेम रेट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप होते हुए मिला, मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा, ऐसा मुझे पर्सनली बात करूं, शायद आपको नहीं लगा होगा अगर आपने इसका सेकंड एपिसोड देख रखा, अगर आपको लगा है या फिर आपको कुछ ऐसा फील हुआ है तो प्लीज मुझे बताना कि आपको कैसा लगा था इसके सेकंड एपिसोड की, इसके कहीं ना कहीं कोई फ्रेम रेट गिरे थे या कम हुए थे, फ्रेम रेट का तो मतलब ये हुआ ना कि एक सेकंड में, सिंपल भाषा में समझाओ, एक सेकंड में कितनी इमेजेस दिखाई गई, उसका बात कर रहा हूं मैं। अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का सेकंड एपिसोड देखने के बाद मैं तुरंत इसके फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन और थर्ड सीजन के कुछ एपिसोड देखने पहुंचा, मतलब जो मेरे पास थे मैंने उसमें देखे। अब कहोगे यार तुम्हारे पास कैसे, तो मैंने कहा ना यार कोई भी लीगली ऑप्शन नहीं है भारत के अंदर एनिमे देखने का, तो थोड़ा बहुत हमें चोरी चोरी मतलब कुछ करना पड़ता है, तुम समझो यार दिल का जो दर्द होता है। तो मैंने जब वो कुछ पुराने एपिसोड देखे तो मैं ये इसलिए देखे ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि हाँ एनिमेशन में कितना बदलाव आया है, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन सवाल उठता है कि कितना। अगर मैं इस चीज का जवाब दूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर से एक सवाल ये उठ जाता है कि यार क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या हमें देखने में अच्छा लगता है या बुरा। तो यार देखो, पर्सनली मैंने ये फील किया कि वो काफी अच्छा है, एक तरीके से इसको समझो कि वो एक एडवांस वर्जन है। अब देखो यार, ये डिफरेंस जो है वो तो दोनों स्टूडियो के अलग अलग काम करने के तरीके से तो होना ही था, ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बट मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छा है, मैंने जैसा कि एडवांस वर्जन है। अब अगर देखो मैं इसके सेकंड एपिसोड को इसके फर्स्ट एपिसोड से कंपेयर करूं, वैसे मुझे करना तो नहीं चाहिए बट यार कर लेते हैं ना, कंपेयर करूं इसके मैं इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हमें सेकंड एपिसोड में मिलता है, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट बन पाता है नहीं बन पाता, या फिर इसको इन्फॉर्मेटिव कितना है, तो इंटरेस्ट तो बहुत कम बनता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एपिसोड इसके अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के। और मैं बात करूं इसमें इन्फॉर्मेशन कितनी मिलती है, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बट मैंने कहा यार कंपेयर करना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है, क्योंकि यार हर एक एपिसोड का अपना एक महत्व है कि भी हाँ हमें वो एक हमारा बेस तैयार करता है वहां पर। और इसके सेकंड एपिसोड में साथ ही साथ हमें एक नए टाइटन वॉरहैमर टाइटन के बारे में सुनने को मिलता है, शायद आने वाले टाइम में हमें वो देखने को मिल जाए। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जब मैंने उसका नाम सुना था कि हाँ यार इसके एक और टाइटन, हमें नया टाइटन हमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को पता हो, बेशक आप लोगों को जिन्होंने मांगा पढ़ रखी होगी तो वो तो ऑब्वियसली जानते होंगे, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके एनिमे को ही देख रहा हूं और इसको ही काफी ज्यादा एक्साइटेड, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। धीरे धीरे एपिसोड आ रहे हैं और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं बकायदा कि नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ और सिर्फ जब एनिमे आएगा उसी को मैं एक्सपीरियंस करूंगा, वही जो खुशी होगी वही मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों ने इसका सेकंड एपिसोड देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, अगर नहीं देखा तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो, मतलब वेट तो बहुत ही कर चुके हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।